इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के आखिरी वनडे में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 50 जड़ दिया और फिर अपने चित परिचित अंदाज में तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन भी दिखा दिया। जडेजा शुरुआत में काफी धीमी गति से रन बना रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने एकदम से गियर बदला और 7 गेंदों में 30 रन ठोक दिए। जडेजा ने चौके की हैट्रिक के साथ हाफ सेंचुरी जड़ी। 46 ओवर तक जडेजा 36 गेंद पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद उन्होंने जबरदस्त शॉट्स लगाए, उन्होंने एकदम से रनों की रफ्तार बढ़ा दी। जॉश हेजलवुड के ओवर में 2 छक्के लगाने के बाद उन्होंने सीन एबट के ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगा दिया। जडेजा 50 गेंद पर 66 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। जडेजा जब बल्लेबाजी करने आए थे उस समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 152 रन था। उन्होंने हार्दिक के साथ मिलकर 150 रनों की साझेदारी निभाई और भारत को 50 ओवर में 5 विकेट पर 302 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। संजय मांजरेकर ने इस सीरीज के दौरान भी जडेजा पर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जडेजा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने से दिक्कत है। जडेजा ने इस जबरदस्त पारी से मांजरेकर की भी बोलती बंद कर दी है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहां पर रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस हुई वो काफी शानदार रही। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।